हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप घर पे किस तरीके से अपने डार्क अंडार्म्स को लाइट बना सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। जी हाँ, तो मेरे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा एंड तक, और मेरा वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते तो सबसे पहले आपको जो चीज लेनी है वो है बेकिंग पाउडर। जी हाँ, आप इस बेकिंग पाउडर की जगह किसी भी ब्रांड का भी बेकिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है नेचुरल एक्सफोलिएशन का काम करता है, क्लिनजिंग का काम करता है। अगर आपके फेस पे कहीं ब्लैकहेड है आप, तो ये बहुत अच्छे से आपके फेस की ब्लैकहेड को रिमूव करने का काम करता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है जैसे मैंने बताया। तो ये इसके बहुत सारे ब्यूटी बेनिफिट्स होते हैं, और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो शेयर किया था ब्लैकहेड को रिमूव कैसे करें, उसे मैंने बेकिंग पाउडर का भी यूज किया था, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जी हाँ, तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपको लेना है एक चम्मच के करीब। जी हाँ, उसके बाद जो दूसरी चीज जिसमें हम इसका पेस्ट बनाएंगे आपको वो लेना है दूध। जी हाँ, मैं यहाँ पे जो दूध आता है रेगुलर दूध वो यूज कर रही हूँ। अगर आप इसे जगह कोई सा भी आप पाउडर मिल्क, अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप डिब्बे वाला दूध आता है या पाउडर मिल्क आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो दूध में हम इसका पेस्ट बनाएंगे, तो दूध हम करीब लेंगे 2 चम्मच के करीब। ये फुल फैट क्रीम दूध है, इसमें मैंने 1 चम्मच डाला और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे हम इसका काढ़ा पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। ये आपके डार्क अंडार्म्स को लाइटन तो करेगा ही, साथ में एक्सफोलिएशन जैसे मैंने कहा वहाँ की डेड स्किन को निकाल देगा, तो आपके जो अंडरआर्म्स है बहुत जल्द लाइट होने लगे इसको यूज करने से। अगर आप इसे रेगुलर यूज करते तो आप इसका फर्क खुद नोटिस करेंगे। इस तरीके से आपका पेस्ट बन करके तैयार है, और आपको मैं इसे लगाने का तरीका बताती हूँ। जी हाँ, तो आपको इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करना है, लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी लगाने से पहले कि अगर आपका फेस स्किन जो है सेंसिटिव है तो आप प्लीज एक बार पैच टेस्ट जरूर कर दें, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग पाउडर बोलते हैं उसमें एक माइल्ड इरिटेशन होती है। जब भी आप इसे अप्लाई करते हो तो आपके फेस पे लाइट बोलूं जिसे इचिंग हो सकती है, तो पैच टेस्ट आप जरूर कर ले। तो इस तरीके से मैंने इसे बताया है, आप देख रहे हैं इसमें बुलबुले बनना स्टार्ट हो गए हैं। इस तरीके से आपको लेना है फेस, आपको हमेशा से मैंने बताया फेस क्लीन होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप अपने उस एरिया पे आपको लगाना है अपने अंडर आर्म से। आप इसे अपने नीज पे एल्बोज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको अपने इस पे लगाना है अंडर आर्म पे। जी हाँ, इसे लगा करके हमें छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। तो दोस्तों, मैंने अपना जो पैक लगाया था जो मैंने आपको दिखाया है वो अब कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। वॉश करने का तरीका इसका डिफरेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको वॉश कैसे करना है, आप चाहे सबसे आप तो दो तरीके हैं, आप चाहे तो इसे गर्म पानी से इसको वॉश कर सकते हैं, या दूसरा तरीका जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आपको इस तरीके से वेट टॉवल लेना है। मैंने इसे हल्के कुनकुने पानी में डिप किया है और फिर इसे निचोड़ लिया है। अब मैं इससे अपने जो मैंने पैक लगाया है उससे इसे रिमूव करूँगी। आप चाहे तो आप जब आप नहाने जाते हैं उस टाइम भी आप इसे लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट टाइम मेरे ख्याल से वही होगा, उस टाइम आप इसे इजीली आप बना के लगा भी सकते हैं। आप इसे बाथरूम में इसे अपने शेल्फ में रख भी सकते हैं जब आपको नहाना हो, या जब आपको इस पैक को लगाना आप इसमें दूध ऐड करिए और आप इसे आराम से लगा सकते हैं। अगर आप इसे रेगुलर अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जो अंडर आर्म्स हैं कि जो ब्लैक होने की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल लाइट हो जाएगी, क्योंकि एक नेचुरल रेमेडी है और आपका इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने हाथों पे जो लगाया था इसे वॉश कर लिया है और ये बहुत आराम से रस साफ हो गया। तो इस तरीके से आपको लगाना है और जैसे मैंने बताया इस तरीके से रिमूव करना है, सारे प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप इसे अप्लाई जैसे मैंने कहा अप्लाई करते हैं तो आपके देखेंगे कि कुछ दिनों के डार्क अंडर आर्म लाइटन होंगे साथ। तो ये मेरी टिप्स अगर पसंद आई होगी और मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भी। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।